नाज़रीन, मुहर्रम के हवाले से खसूस प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। और आप जानते हैं कि दुख के लम्हात का और गम के लम्हात पर जब बात होगी तो उन लम्हात पर बात करना आसान नहीं होता। दिल का दुख से भर जाना और आंखों का अश्कबार हो जाना कुदरती बात है। लेकिन एक और इस करबला के वाक्य में जो एक और फिलॉसफी है वो ये है कि इसमें से ही जुर्रत और हिम्मत की भी एक दास्तान निकलती है। अब इसके अगर देखें तो अगर हज़रत इमाम हुसैन जंग के इरादे से निकलते तो कभी भी बच्चे और ख़वातीन उनके साथ ना होते। ज़ाहिर है कि वो कूफा की तरफ से जो दावत मिली थी उस पर तशरीफ़ लाए थे, इसलिए हज़रत ज़ैनब भी साथ थी, बच्चे भी साथ थे। 2 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन करबला में आए और 4 मुहर्रम को यज़ीदी फ़ौजें आके उनके सामने खड़ी हो गईं। कहा जाता है कि 9 लाख के करीब फ़ौज तैयार थी, लेकिन 30,000 उस वक्त मौजूद थे, 30,000 के करीब। तो उन वाक़यात पर जब हम जाएंगे तो फिर बीबी ज़ैनब का ज़िक्र तो होगा, जो कि ऑन और मोहम्मद की ही माँ नहीं थी बल्कि 72 की माँ थी। और जिस सब्र और अज़्म हिम्मत से वो इस वाक़े से निकल के यजीद के दरबार में पहुँचती हैं, उनके खुतबात पर भी बात होगी। लेकिन आज का हमारा जो मौजू है वो है करबला में गैर हाशमी ख़वातीन का किरदार। अमूमन इन वाक़यात की गहराई में हम नहीं समझते कि ये वाले किरदार क्या थे और इनका क्या वहाँ हिस्सा था। अब हम बात करते हैं, बहुत सारी ख़वातीन थी जो मेहमान बात करेंगी, 2 ख़वातीन का मैंने सिर्फ हवाला देना है, जिसकी तफसीलात पर हमारे साथ जो मौजूद हैं ख़वातीन वो बात करेंगी। मसलन हज़रत इमाम हुसैन की जो जौजा मोहतरमा हैं वो हज़रत शहरबानो, बीबी शहरबानो जो है उनका ताल्लुक ईरान से था। इसकी तफसीलात तो वही बताएंगी, लेकिन जो मैं बेहद मुतासर हुई थी एक किरदार से वो हज़रत बीबी ज़ैनब की कनीज़ फ़िज़ा का किरदार था। कि जब वो यजीद के दरबार में बीबी ज़ैनब पहुँची और इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन को कत्ल करने का हुक्म दिया यजीद ने, तो बीबी ज़ैनब ने उसको ललकारा, तो उसके बाद उसने बीबी ज़ैनब के कत्ल का हुक्म दिया तो जो ललकार बनकर सामने आई वो बीबी फ़िज़ा थी। और जो कि ख़ुद भी एक अफ्रीका के बड़े कबीले से जिनका ताल्लुक था। और फिर दरबार में एक अजीब सा मंज़र बदल गया और बेचैनी फैल गई और यजीद पर भी कपकपी तारी होगी। ये वो ख़वातीन का किरदार है जो हमें वाकई करबला में तलाश करना है। मेरे साथ नाज़रीन 2 मेहमान ख़वातीन मौजूद हैं। हमारे साथ जो पहली मेहमान हैं प्रोफेसर नरजिस इफ्तखार, इस महफिल में आपको वेलकम कहते हैं। मेरे साथ जो दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर अकीला यूसुफ, अकीला आसिफ, डॉक्टर अकीला आसिफ को भी वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा जो मौजू है नरजिस साहिबा, उस पर क्या कहेंगी आप कि ये किरदार क्या था जो कि हाशमी कबीले की जो ख़वातीन थीं वो तो एक फ़र्ज़ समझकर अपनी सारी कुर्बानियां दे रही थीं और जबर भी सह रही थीं और सब्र भी कर रही थीं और उनकी हिम्मत और जुरत को भी हम सलाम पेश करते हैं, तो ये जो गैर हाशमी ख़ानदान की ख़वातीन थी इनका क्या किरदार बनता है? बहुत शुक्रिया आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े बरवक्त, आज 6 मुहर्रम है और इस हवाले से हमें वो मुक्तदर ख़वातीन याद आती हैं। करबला की दास्तान ख़वातीन के ज़िक्र के बग़ैर नामुकम्मल है। दुनिया में बड़े बड़े मार्के, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बड़े सूरमाओं की, बड़े बहादुरों की, लेकिन ये एक मुख्तसर सी ऐसी जंग है कि एक तरफ 72 हैं और एक तरफ हज़ारों और लाखों का मजमा है। और फिर जंग भी ऐसी है कि बाद आज जंग असल अहमियत इसकी बाद आज जंग है। और वो तो मुख्तसर सी जंग थी, चंद हाशमी जवान, चंद हाशमी बच्चे अहले बैत इमाम हुसैन के घराने के, मौला अली के घराने के अकील जाफ़र की औलाद, जाफर तैयार और असहाब हबीब इबन मज़ाहिर, मुस्लिम इबन औसजा, बुरैर हमदानी, जुहैर कैन, हज़रत उस्मान के ख़ानदान, तो ऐसे चंद एक मुक्तदर लोग, कुछ ग़ुलाम हैं
जौन हबशी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के ग़ुलाम थे, फिर एक ईसाई जवान जिसकी अभी शादी हुई थी बाब कल्बी, वो भी शहीदों में है, 72 शहीदों में वो भी शामिल, और फिर बच्चे हैं 6 माह के इमाम हुसैन के शीरखार बच्चे, हज़रत अली असगर से लेकर हज़रत अब्बास तक। लेकिन मुझे एक वो खातून, गैर हाशमी खवातीन पर एक खातून ऐसी भी है कि जो मारका करबला में, करबला में मौजूद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बानी उसने दी और सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उस खातून की है। देखें जी, कुरान पाक की आयत है सूरह नहल की, नाम भी ले लीजिएगा हमारे नाजरीन सुन रहे होते हैं, मन अमला सालेहन मिन जकरिन अव उन्सा बल हुवा मोमिनुन फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो भी अमले सालेह करेगा मर्द हो या औरत, लेकिन मोमिन हो, बल हुवा मोमिनुन फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे तय्यब जिंदगी दे देते हैं, ऐसी हयात उसे दे देते हैं कि फिर वो मर के भी मरते हैं। शहीदों की नाम मैं अभी तक, शहीदों की जिंदगी पर तो हम यकीन रखते हैं जी, लेकिन ऐसी खवातीन हैं जो बराह रात जो शहीद नहीं हुई, क्या जो शहादत के मर्तबे पर फाइज नहीं हुई, लेकिन किरदार उनके, वो इर्द गिर्द उनके शहीदों का एक झुरमट है। मैं सबसे पहले फातिमा कुल्लाबिया, जिनको तारीख उम्मुल बनीन के नाम से याद करते हैं, मौला अली की जोजा थी और हज़रत अब्बास अलमदार करबला की वालदा ग्रामी थी। अब उनके सिर्फ आप शहदा जो बराह रास्त उनके साथ मुंसलिक थे, सबसे पहला शहीद जो करबला में शहीद नहीं हुआ लेकिन करबला के साथ पहला ताल्लुक जिसका है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील, वो बीबी उम्मुल बनीन के दामाद हैं। हज़रत मुस्लिम के 2 बच्चे जो यहीं कूफा की एक बस्ती मुसैब में फुरात के किनारे शहीद किए गए, और उनकी दास्तान एक अजब दर्दनाक दास्तान है, मोहम्मद और इब्राहिम, ये बीबी उम्मुल बनीन के नवासे हैं। फिर आप देखें करबला में बीबी उम्मुल बनीन के 4 बेटे हैं, हज़रत अब्बास, जाफ़र, अब इमरान और अब्दुल्ला। इमरान को कुछ तारीखों में उस्मान लिखा गया, कुछ में इमरान लिखा गया। इमरान, हज़रत अब्बास, ये 4 बेटे बराह रास्त और नवासे भी, 2 नवासे तो और उधर, 4 बेटे। अब इधर 4 बेटे, हज़रत अब्बास का बेटा मोहम्मद इब्ने अब्बास पोता, और फिर नवासी इसी हज़रत मुस्लिम की बेटी आतिका, के जब असर आशूर के बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो बलवा हुआ है, वो खेमों में आग लगाई गई, वो जो घुड़सवार लूटने के लिए आए, तो ऐसे में बच्चे औरतें परेशान होकर निकली हैं, और कोई जिसका जहां मुंह उठा उधर वो भागा है, तो ऐसे में बहुत से बच्चे इधर उधर हो गए थे डर के सहम के। तो जब वो चले गए लोग, तो ये बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम निकली हैं बच्चों को तलाश करने के लिए। ऐसे में जो इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सकीना थी, वो तो कत्लगाह तक पहुंची। अच्छा, हज़रत फातिमा जो उम्मुल बनीन की आप बात करें, तो इनके कितने, इनके कितने थे लोग, 4 बेटे थे, 4 बेटे, टोटल कितने होंगे जो लोग, आप ये देखें ना, 4 बेटे, एक दामाद, 5, 2 नवासे कूफा में, 7, और अब यहाँ ये नवासी करबला में, और ये किस तरह के जिस पर घोड़े दौड़े हैं, तो उन घोड़ों की टापों में वो पामाल हो गई। अब जो लिखा कि जिस वक्त इन शहजादे बीबी जैनब और बीबी उम्मे कुलसूम ने बच्चे तलाश, उनको ये झाड़ियों में ये बच्ची मिली है, और जब उठाया तो इसका ऊपर का धड़ तो उनके हाथ में था, ऊपर का जिस्म, सर और सीना हाथ में आया, और धड़ जो था वो जमीन, घोड़ों की टापों में ये बच्ची त,
تقسیم اور یہ نواسیہ عمل بنی تو ایک اور ایک نواسا ایک خاتون کے آٹھ نو لوگ اور ایک نواسا اور کہ جو کربلا میں شہید بی بی رقیہ جو ان کی بیٹی تھی ان کا ایک بیٹا اور ایک یہ بچی جو گھوڑوں کی ابھی جو آپ نے ایک ام البنین کی بات کی اور ان کے خاندان کے آٹھ نو افراد بتائے کہ جو خود براہ راست موجود نہیں ہے لیکن اتنی شہادتیں دیتے ہیں اب ان کا جو رسپانس ہے کربلا میں جب یہ خبر پہنچی ہے سوری مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی ہے اور بشیر ابن جزلم تھا جو یزید نے پھر بیویوں کے ساتھ کیا تھا نگران کے طور پر وہ آیا اس نے جب اعلان کیا مسجد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مدینے والوں مدینے کے والے مدینے کے وارث آ گئے ہیں جان یعنی جب واپس گئے تھے جب واپس گئے یعنی مدینہ جیسے جیسے بی بی زینب پہنچی تھی اس طرح وہ پہنچے اس کے بعد ہم اکیلا کو شامل کر لیں گے ساتھ گفتگو میں تو پھر کیا ہوا ہاں جی اس کو مکمل جی جی ام البنین کی بات پوری تو اس وقت بی بی ام البنین جب وہ بشیر داستان سنا رہا تھا کہ مدینے والوں کو کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو وہ اس نے دیکھا کہ ایک سفید بالوں والی بوڑھی عورت وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ جو کچھ کہتا ہے کہتا ہے میں تو نہیں مانتی اس کے سارے شہید اس نے کہا کہ اچھا جی بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی تو کیسے ہو سکتا اس بشیر نے پوچھا بیبی آپ کیوں انکار کر رہی ہیں آپ کیوں نہیں مانتی ہیں اس لیے کہ میں علی کے زوجہ ہوں اور میں علی کے بیٹے عباس کی ماں ہوں ایسا کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا جہاں عباس موجود ہو تو وہاں یہ ہو تو اس نے کہا کہ بی بی نہیں تیرا بیٹا عباس مارا گیا تھا تو اس کے بعد یہ سب ہوا وہ پوچھتے عباس کیسے مارا گیا کتنی فوج تھی اتنی فوج تھی اتنی فوج سے تو میرا بیٹا اکیلا لڑ سکتا کہتے نہیں اس کے سر پر پیچھے گرز لگا تھا اور وہ پھر وہ بڑے جلال سے کہہ دیا وہ بات کرنے والے میں عرب کی ہوں اور عرب میں کس ماں نے ایسا بیٹا جنا کہ جس کا ہاتھ میرے عباس کے سر تک پہنچے اس وقت بشیر نے کہا نہیں اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور وہ پانی کی مشک بچانے کے لیے گھوڑے پر جھکا ہوا تھا پانی کی مشک دانتوں میں لے کر گھوڑے کی پیچھے سے کسی نے اس کے بعد پھر بیوی نے کہا کہ ہاں اب میں مان سکتی ہوں کہ جب میرا بیٹا نہیں رہا تو اس کے بعد جو قیامت برپا ہوئی پھر وہ خاتون ایک بہت اچھی شاعرہ تھی اس کے بعد وہ مدینے میں ان کی جو شاعری ہے وہ تاریخ ادب عربی کا حصہ ہے کہ لوگوں اب مجھے ام البنین نہ کہو کہ جب تم مجھے ام البنین کہتے ہو تو مجھے وہ بیٹے یاد آ جاتے ہیں کہ جو پرواز میں جو قوت میں تیز پرواز قابو کی حالت تو یہ بھی کیا کہیں گے اکیلا اس بارے میں جی مزید بھی ذکر کرنا چاہیں جو آپ کے ذہن میں خواتین جی بالکل میں یہ ایسا ایک واقعہ ہے تاریخ میں واقعہ کربلا کہ جس میں ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا کے علام و مصائب اور اونچ نیچ اور حسد بغض کینہ اس طرح کی برائیوں کے خلاف ہمارے لیے سبق ہے بلکہ ہمارے لیے آخرت میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخرت جو ہے ہار اور جیت جو اس دنیا کی ہے اس کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس فلسفے پہ اگر غور کریں تو یہ دنیا کی زندگی بڑی ہیچ معلوم ہوتی ہے تو واقعہ کربلا کے حوالے سے جیسے کہ حامی خانم نے بتایا نرجس صاحبہ نے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس کی جزیات جس طرح سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں وہ بہت ہی دل کو چھونے والی باتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جس کو بار بار کے ذہن میں کسی خاتون دہرائے جانے کے دہرایا جانا چاہیے میں جن خاتون کا ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ غیر ہاشمی خاتون ہیں اور اس واقعے کے ساتھ بڑا تعلق ہے وہ حضرت فضا رضی اللہ عنہا ہیں حضرت فضا جو ہیں وہ ان کا شمار بظاہر کی کنیز جی جی جو بی بی زینب کی کنیز جی جی حضرت فاطمہ کی وہ کنیز تھیں اور ان کو متکلم القرآن کا خطاب دیا گیا تھا
कि वो खाली कनीज़ नहीं थी। कनीज़ जब हमारे जहन में लफ्ज़ आता है तो हम ये समझते हैं कि जैसे सर्वेंट या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, बल्कि वो जिस मकाम पे फ़ाइज़ हैं, हमारा जो सारा इल्म है, हमारी जो सारी डिग्रियां हैं, हमारी जो सारे सोशल मीडिया के बावजूद ये जो इल्म का तूफ़ान है, यलगार है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, कि वो बहुत आलमा और बहुत बड़ी फाजला अपने वक्त की थी। और वो जी वो अपने अपने हर बात का, अगर उनसे कोई बात पूछी जाती थी तो उसका जवाब कुरान की आयत की शक्ल में देती थी। और हज़रत फिज़ा का जो काम है, जो वाक़े करबला के हवाले से जो उनका कारनामा है, कारहाए नुमाया है, उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र है वो ये है कि वो उसमें शामिल रहीं और आखिर दम तक हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी ताला अन्हा के साथ साथ, पहले वो अपने ज़ियाद के दरबार में और उसके बाद यजीद के दरबार में वो उनके हमरकाब रहीं और उनके साथ ऐसे रहीं जैसे कि एक साया, जैसे कि छतरी तानी रहती है, और हर मुश्किल वक्त में पहले वो सामने आई, क्योंकि इन बीबियों को वो सामने नहीं आने। रफाकत है और कैसी वफा निभाने की अदा, बिल्कुल वफा। और ये भी रिवायत है कि बीबी फिजा ने, क्योंकि इस घर में वाकया करबला के तज़किरे रहते थे, ऐसा नहीं था वहाँ जी, पहले से चीज़ें थी, मतलब इमाम हुसैन की पैदाइश के साथ ही। तो बीबी फिजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाई थी कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे जी, कि बिल्कुल मैं उस वाकये जी हाँ, इनकी ये काफ़ी इन्होंने उम्र पाई, बहुत किताबों में लिखा है कि इन्होंने उम्र पाई। और इसके बाद भी जब यजीद के दरबार में जो उनका जिक्र है, वो भी मेरा ख्याल है हमें नौजवान नस्ल को बताने की ज़रूरत है। ये जो हम मुहर्रम के ये जो दिन मनाते हैं और जिन इन महाफिल का इनेकाद करते हैं, उसकी वजह ही यही है कि हम उन सुनहरी कारनामों को, उन सुनहरी बातों को याद करें। और उसमें ये बात हमें आज की नौजवान नस्ल को और ख़ास तौर पे नौजवान बच्चियों को बताने की ज़रूरत है कि हमारी रोल मॉडल वो ख्वातीन हैं जिन्होंने इस वाक़े के साथ साथ किस तरह से उन्होंने इतने मुश्किल हालात में, इतने मुश्किल और जुरत का इजहार देखिए उनका, दुख नहीं है। मैं चाहूंगी कि और ख्वातीन की तरफ आप बढ़े, इससे पहले कि हमारा टाइम एंड में हमें जल्दी करनी पड़ जाए। ये इतने बड़े बड़े अजीम कारनामे हैं इन ख्वातीन के, जैसे बीबी उम्मल बनीन के हवाले से आपने सुना, फिर फिजा बीबी के हवाले से सुना, ये एक बड़ी अजीम रफाकत। और फिर ये वो वफादारी है जो मफादात के तहत, ख्वाहिशात के तहत या हालात के तहत तब्दील नहीं हुआ करती। ये एक बड़े मकसद की तरफ जाने के लिए असूली किस्म की दोस्ती और रफाकत होती है जो आपने देखी। अभी हम चलते हैं कि और ख्वातीन का भी हम जिक्र करें, जहाँ ये वाकया करबला और इस सारी दास्तान का हम जिक्र करते हैं और सुनते हैं तो हमें दुख के लम्हात बहुत आते हैं, बहुत आँखों में आंसू आते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी करने की जुर्रत और हिम्मत भी यहीं से मिलती है। ये एक अजीब रंग है इस दास्तान का। कहा जाता है कि इस्लाम को बचा लिया इन सारे लोगों की कुर्बानी ने, तो आप देख लें कि ये कितनी बड़ी हिम्मत और जुर्रत की दास्तान भी है। तो हम चाहेंगे कि नरजिस हमें मज़ीद इस बारे में बात करें। गैर हाशमी ख़वातीन, मोहतरम ख़वातीन में बहुत से नाम हैं। एक नाम जो इमाम हुसैन की बहुत अजीज़ जोजा बीबी उम्मे रबाब है। बीबी उम्मे रबाब उमराउल कैस की बेटी है कि जिसको अरबी अदब में इस वक्त तक सबसे बड़ा शायर माना गया, इंतहाई मतलब शराफत, अजमत, ख़ानदानी वक़ार, वजाहत। ये दो बहनें मौला अली के घर में हैं, कि इमाम हसन की भी एक बहन इमाम हसन की के हरम में और दूसरी इमाम हुसैन की। और ये बाज़ौक़ खातून थी, खुद शायरा थी, और इमाम हुसैन को इनसे बहुत मोहब्बत थी। कि इमाम हुसैन का फरमान है कि उस घर में बड़ा सुकून है, मेरे लिए बड़ी राहत है उस घर में, जिस घर में रबाब और सकीना, यानी सकीना इन्हीं की बेटी थी रबाब। तो इनको अल्लाह ने दो बच्चे दिए, और इन दोनों की शहादत और इमाम हुसैन से इनकी रफाकत और उस रफाकत का हक अदा करना, इस
कमाल है कि जब एक जो मंजर है शबे आशूर का, जब माएँ अगले दिन के मार्के के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, तो ये इनके खेमे, और इमाम हर एक के खेमे में जाते हैं, तो बीबी रबाब के खेमे से उन्हें रोने की आवाज़ आती है। वो जाते हैं, पूछते, देखा कि बीबी रो रही है। आप क्यों रो रही हैं? कहा, अपनी किस्मत को, ये लिखे हुए लफ्ज़ हैं तारी, कि मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ, सारी माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, मेरा बच्चा अगर इतना बड़ा होता, घुटनियों ही चल सकता या अपने कदमों, तो मैं भी उसको तैयार करती। आप देखिए ये क्या जज्बा, छः माह के बच्चे की माँ को ये हसरत है कि मेरा बेटा बड़ा क्यों नहीं है। माँ अपने बच्चे को उठाया, हो सकता है तेरा बच्चा उन जवान मुजाहिदों से बढ़ जाए, बच्चे का नाम भी पता। और अगले दिन हमने देखा कि वो 6 माह का शहजादा अली असगर, क्या बात, अली असगर। और ये सीन, ये मंजर भी मेरा ख्याल है यूनिक है तारीख इंसानी में, कि जिस वक्त उस बच्चे के गले में तीर लगा और इमाम हुसैन उसको ले के आए और अब चाहते हैं कि उसको दफन करें, गंजे शहदा में सारे लाशें हैं, सिर्फ इस बच्चे के लिए कब्र खोदी गई। और कब्र किस आलम में खोदी गई कि माँ बच्चे का लाशा लेके खड़ी है और बाप कब्र खोद। ये बातें करना, ये मैं समझती हूँ कि ये कहना सुनना शायद आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ऐसे ही, और ऐसे में उसका इत्मीनान, शुक्र है मेरा शुमार भी उन माओ में हुआ जो शहीदों की माएं कहलाई। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा मेरा बच्चा छोटा था तो मैं रह गई, अच्छा, और जवानों ने कुर्बानी दी तो मेरा बच्चा छोटा था। जो फिर इस बीबी का जो अंदाज गम था वो भी बड़ा यूनिक है। इसने जब जाते, जब देखा धूप में लाशें पड़े हुए हैं, और इन्हीं की बेटी शहजादी सकीना जब शाम में जिंदान में फौत हो गई, अंधेरे में उधर ही दफन हुई, जिंदान के अंदर ही अभी तक मौजूद है वो, तो ये जब वापस मदीने आई हैं, नफीस मिजाज थी, शायरा बाज़ौक हैं, एहसास हैं, एक बड़े शायर की खुद शायरा खातून और इतने दुखों से गुजर के, तो इनका जो स्टाइल था, जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, क्या कि ये दिन के वक्त छांव में नहीं आती थी, घर के अंदर नहीं आती थी, धूप में बैठी रहती थी और रात को चिराग नहीं जलाती थी। ये सब्र से, ये उस कुर्बानी और सब्र और तकलीफ से, तकलीफ से गुजरने के ये असरात हैं इंसानी फितरत। ये देखें नरजिस, आज के ज़माने में भी ये वो दास्तान है जो हर अहद और हर ज़माने की दास्तान है। आज के ज़माने में भी तकलीफ़ें उठाने और सहने और बर्दाश्त करने की इंतहा यही होती है कि बंदा शायद बहुत आराम से नहीं रह सकता, बिल्कुल, बहुत सुख के लम्हात को इंजॉय नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो ये वो चीज़ें हैं। जब ये गजा के शहदा को देखा जाता है और उनके बच्चों को देखा जाता है, हाँ, ये याद आती है करबला। तो मैं, यजीदियत खत्म नहीं हुई, हर अहद में रहेगी, ये जुल्म हुसैनियत भी रहेगी, यजीदियत भी। बिल्कुल ऐसा ही, पढ़ा लिखा बड़ा मुहज्जब हो गया, बड़ा चांद पर उसने कमन डाल ली है, लेकिन वो बच्चे बच्चे हर दौर के, हर जगह के वो काबिल रिस्पेक्टेबल हैं। हम एक यजीद को गाली देते हैं कि उसने शहजादा अली असगर को, ये जुर्म, ये दरिंदगी थी, ये हैवानियत थी, और वहाँ जवानों को, वहाँ भी इसी तरह ही हुआ। लेकिन यहाँ गजा में आजकल जो हम देख रहे हैं, दोहराई के मतलब है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, जुल्म की दास्तान रुकी नहीं है। तो ज़माना तरक्की कर गया, जदीद अहद में दाखिल हो गए, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, लेकिन ना यजीदियत ख़त्म हुई, ना जुल्म की दास्तानें ख़त्म हुई। ये जो बीबी उम्मे रुबाब का जिक्र किया नरजिस ने, इसमें जब उन्होंने बताया कि कैसी बाज़ौक खातून, शायरा और हसास खातून, और जब सारे जवानों को तैयार कर रहे हैं अगले दिन के लिए, और वो समझती हैं कि मेरा तो बेटा 6 माह का है, इसको मैं ना समझा सकती हूँ, ना बता सकती हूँ, ना उस कुर्बानी देने के लिए तैयार कर सकती हूँ, तो फिर जब उनके गले में तीर लगता है शहजादा अली असगर जो 6 माह का है, तो फिर वो उसका लाशा गोद में लेके जाती हैं और हज़रत इमाम हुसैन
कब्र बना रहे हैं और माँ खड़ी है, तो ये फिर देखें कि गिरिया कितना है। मैं समझती हूँ कि जितनी भी मजालिस और महफिलें हम देखते हैं मुहर्रम के हवाले से, उसमें अली असगर के नाम पर कितने आँखें अश्कबार होती हैं और कितने आंसू गिरते हैं उस दुख और सब्र पर। इन्होंने एक नफ्सियाती कैफियत भी बताई, जब हम जिक्र बीबी उम्मे रुबाब का कर रहे थे तो उसमें एक कैफियत का जिक्र नरजिस ने किया, और वो कैफियत भी ये थी कि जब वो मदीना पहुंच गई और उसमें जब मदीना में वो छांव में नहीं बैठ सकती थी, धूप में बैठती थी और रात के अंधेरे में चिराग नहीं जलाती थी, ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती जबर के अगेंस्ट रवैया होता है। ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी एहतजाज की है और ये ख़त्म नहीं हुआ। मैम अभी आप पर अकेला पर आ रही हूँ, ये वाली बातों पर जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये समझ लें कि जहाँ जबर की कैफियत होती है, जो लोग सह रहे हैं वो भी एक दुख में अपने आप को रख कर उस तकलीफ़ का हिस्सा बनकर एहतजाज में शामिल होते हैं, ये एक ऐसा रवैया। क्या कहेंगी अकेला इस बात? देखिए, जो इतने बड़े जुल्म को अपने ऊपर रवा देखता है, जिसकी आंखों के सामने उसके सारी ख़ानदान के लोग शहीद कर दिए जाएं, बेदर्दी से मार दिए जाएं, उसके बाद वो जो शाम गरीबा का जो मंज़र है कि किस तरह घोड़ों के नीचे उनके उनके अजसाम को उनको की बेहरमती की गई, और किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सर मुबारक को नेज़े पर चढ़ा दिया गया, तो ये एक ऐसी बात है, आप सोचें कि इंसानी फितरत पे, इंसानी नफ्सियात पे उसके असरार रहते हैं। इसका एक तो जिक्र हमने उम्मे रुबाब रिज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से किया, शहज़ादे अली असगर को अपने बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से है कि जिंदगी में फिर किसी ने उनको मुस्कुराते नहीं देखा। तो ये और जी, और जब वो बाजार से गुजरते थे तो कसाई गोश्त को ढांप दिया करते थे कि वो खून और वो गोश्त और वो चीज़ें देख के। जी जी बिल्कुल, ये तारीख की किताबों में लिखा है, मुस्तनद किताबों में लिखा है। आपके प्रोग्राम के लिए जब आना था मैं ये पढ़ के आई हूँ, और बहुत सारे तारीखदानों ने इस बात का जिक्र किया है कि इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिज़ियल्लाहु अन्हु को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, वो रो बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत गिरिया करते थे, और किसी ने पूछा कि आप इतना इस कदर क्यों रोते हैं, तो उनका जवाब ये होता था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा उनकी आंखों से ओझल हुआ था, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो उन्होंने उनको इतना रोए थे कि उनकी आंखों का नूर चला गया था, तो मेरी आंखों के सामने तो मेरे ख़ानदान के 72 लोगों को शहीद कर दिया गया है, मैं किस तरह से वो गम भूल सकता हूँ, वो दुख भूल सकता हूँ, वो दर्द भूल सकता हूँ, वो तड़प भूल सकता हूँ। जी अपने ऊपर एक कैफियत को जी, वो कैफियत फिर तमाम उन पर तारी रही का जी, उस दुख के साथ जुड़े रहने। देखिए जबर सारी जिंदगी रहा जी, जो जबर होता है वो इंसानी फितरत के ऊपर एक ऐसा असर छोड़ता है जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, ये अनमिट नकूश छोड़ जाता है। तो जबर की सियासत या जबर या जुर्म जो है वो इंसानी नफ्सियात को बहुत ज्यादा मुतासर करता है। एक जुमला, हम पर अगर अल्लाह ने हुक्म दिया होता, अगर अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया होता कि हम पर जुल्म किया जाए, तब भी इतना जुल्म नहीं हो सकता। ओए ओए ओए। कभी कभी इंसान, इसलिए जो आपकी बात है ना, मैं इसको दोहराऊंगी इसलिए कि एक अल्लाह ताला की आजमाइश होती है, एक कहा जाता है कि अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी, एक इंसानों के ज़र्फ़ की, या इस्लाम को बचाने के लिए ये कुर्बानी देना था, या सदियों जब तक ये कायनात है हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क आना था और उस पर हम सबको बात करनी थी, तो ये एक ऐसा वाक़या था। लेकिन कभी कभी इंसान ख़ुद जुल्म करता है, इस बारे में भी आयात भी मौजूद है कि इंसान ख़ुद कहता है कि मैं ज़ालिम हूँ, तो कभी कभी इंसान ख़ुद जुल्म रवा रखता है, तो उस जुल्म का उसको हिसाब देना पड़ेगा। ये खुदा की आजमाइश से बढ़कर बात है कि आप अपने फ़ैसलों के तहत लोगों पर जुल्म रवा रखें, तो यूँ भी होता है जो आपने बात की। मैं ये चाहूँगी कि मज़ीद कौन कौन सी ख़वातीन हैं जिनका आप पहले नाम ले लें, और फिर बारी बारी तीन चार ख़वातीन का नाम। बीबी जो बड़ी मुहतरम है, बीबी उम्मे लैला, हाँ ये भी इमाम हुसैन के हरम हैं, और इनके साथ हम जो सबसे दिलचस्प बात है इनके इसके किरदार में वो ये है कि ये यजीद की नज़दीकी रिश्तेदार, हमारे यहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत
उम्मे हबीबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में हैं, इन्हीं की दूसरी बहन थी उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान, यानी यजीद के वालिद मुआविया की बहन। हाँ सही। इन्हीं उम्मे हबीबा की दूसरी बहन जो थी वो बनु सकीफ में ब्याही हुई थी, अबू मुराद सकीफ, उनकी बेटी थी उम्मे लैला जो इमाम हुसैन के हरम। अब ये तो बिल्कुल करीबी रिश्तेदारी है समझे, ये और दोनों तरफ की। हाँ यानी ये उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा इस घर में है और उम्मे लैला की वालिदा बनी सकीफ में है, और बनी यानी उम्मे हबीबा जो हैं वो इनकी खाला हैं। माविया बिन अबू सुफियान इनके मामू हैं और यजीद इनका मामूजाद भाई है। हाँ। अच्छा, और इनकी शहादत जो है वो करबला की सबसे ज़्यादा जो कयामत है, यहाँ तो खैर बंदा कह ही नहीं सकता कि कौन सा जुल्म ज़्यादा है, लेकिन इमाम हुसैन के 18 साल के बेटे अली अकबर की शहादत। हाँ। ये और उनके सीने में बर्छी के फल का टूट जाना, हज़रत इस्माइल वो जो वफदई ना हो बेजबिन अजीम है, वो जबह अजीम ये है कि इमाम हुसैन ने जिस वक्त शहजादा अली अकबर के सीने से बर्छी खींची आए है, बहुत मुश्किल उस वक्त के, ये उनका फरमान है कि आओ हम कुल अम्बिया, आओ आओ मेरे दादा इब्राहिम, आओ मेरे दादा आदम नूह, मेरे नाना आए देखें कि मेरे इस्माइल के पाँव भी बंधे हुए नहीं हैं और मेरी आँखों पर पट्टी नहीं है, और मेरा शहजादा और मेरा और उस कौम के उस शहजादे के सीने से वो बर्छी बर्छी निकली हुई थी वो। ये ज़बह अजीम की तस्वीर, और यहाँ माँ कौन है, यहाँ माँ उम्मे लैला, और वो उम्मे लैला के जब खबर आई थी, ये वाहिद बीबी है कि जो सजदाए शुक्र में गई थी, क्यों, इसलिए कि दर इसमें एक बात थी कि बहुत मुश्किल, बहुत मैं दिनों, नहीं ये जो मतलब मैं एक औरत होने की हैसियत से ये सोचना, ये देखना कितना, यानी ये समझना भी शायद हम लोग हसास हैं, हम माएँ बहनें बेटियां हैं, हम समझ सकते हैं कि उम्मे लैला की अभी इन्होंने बात, 18 साल अली अकबर जिसके सीने से बर्छी निकालना एक बाप के लिए। इसमें वो क्यों इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव थी और क्यों उन्होंने सजदा शुक्र किया, ये बड़ी बात है। इब्तदाई दिनों में शहजादा अली अकबर के लिए और हज़रत अब्बास के लिए अमान आई थी, क्या आप छोड़ दें इमाम हुसैन को, हम आपको अमान देते हैं क्योंकि आप हमारे रिश्तेदार हैं। शिम्र का कुछ रिश्ता बनता था, करीबी नहीं, कोई बिरादरी थी, कोई कबीला था, लेकिन इन बीबी का तो बहुत करीबी रिश्ता था अमान, अमान कबूलने की अमान। और अब यह मुसलसल इनका एक था कि बेटा कल ऐसा मेरा रिश्ता उस लईन से कहीं मुझे शर्मिंदा ना हो। तो फिर जब शहजादा अली अकबर का लाशा लेकर इमाम हुसैन आए और वो लाशा उठाना, 18 साल का जवान और 56 बरस, कहते हैं 9 दफ़ा ज़मीन पर रखा है और फिर उठाया, 9 दफ़ा ज़मीन पर रखा है फिर उठाया है। तो जब वो लाए तो बीबी ने शुक्र का सजदा किया कि मैं सुरखरू हुई, वो जो रिश्तेदारी थी वो मेरी इस वफादारी में आयल नहीं, वरना उनकी। अच्छा, फिर ये भी आप नोट करें कि ये बीबी करबला में मौजूद है, शाम में नहीं है। हाँ, शाम में नहीं, शाम में ये नहीं है जी। वो अच्छा, ये अभी रिसर्च बाकी है, लेकिन कुछ मैं जब शाम गई थी मैंने भी थोड़ा, हाँ, उम्मे लैला का जिक्र नहीं है वहाँ, उम्मे लैला का जिक्र मतलब कैदियों में फिर नहीं है। हाँ, शाम तो फिर क्या हुआ वो सुने, ये मुसलसल शर्मिंदा और मुसलसल इस बात पर का एक खदशा था, ऐसा ना हो कि मैं इन शहजादियों के साथ वहाँ हूँ और वहाँ वो मुझे अपना रिश्तेदार समझ के मुझे इज्जत हाँ, दी जाए और इनको और ना दी जाए, इनको ना दी जाए। हाँ। अच्छा, वो इसी
शर्मिंदगी कहें, खदशा कहें, परेशानी कहें, अंदेशा कहें, वो इसी में थी। तो फिर एक मैं इसमें हतमी नहीं है, ये हतमी है कि वो शाम में नहीं पहुंची, लेकिन ये हतमी नहीं है, एक रिवायत है कि इसी ख्याल में उनकी वफात रास्ते में ही हलब शहर में, हलब जहाँ वो पत्थर है जिस पे इमाम हुसैन का सर रखा गया था, यही मोतबर है ना, यही मोतबर है, एक खबर यही है कि इनकी शहादत वही होगी रास्ते में। असल में थी ये शाम के दरबार नहीं, वो जो अल्लाह ने भी इनकी परेशानी उनका पर्दा रखा, क्योंकि बात ये हो रही है कि हजरत उम्मे लैला जो थी उनकी रिश्तेदारी दूसरी तरफ यजीद के ख़ानदान में मौजूद थी, और वो बहुत करीबी रिश्तेदारी थी, मामू के बेटे या इस तरह की, बहुत सुफियान की नवासी। तो हजरत उम्मे लैला ने अपने 18 साल बेटे की शहादत दी, हज़रत इमाम हुसैन ने वो लाशा उठाया, लेकिन दरबार में नहीं पहुंची। और दूसरा जो हम इसके नफसियाती पहलू इन ख़वातीन की इस अजीम अजमतों को सलाम पेश करते हुए वो कह रहे हैं कि रिश्तेदारी मौजूद है उम्मे लैला की और उनको अमान दी गई, अमान दी गई, ये बात मैं फिर आपकी तरफ आऊँगी कि मौजूदा हमें किस किस अहद में इस दास्तान से सबक नहीं सीखना। अमान दी गई इसलिए कि वो रिश्तेदारी चूँकि यजीद के ख़ानदान में भी थी, तो उसमें अमान ये थी कि वो अपनी वफ़ादारी बदल लेती तो फिर 18 साल बचा लेती अपना जवान जहान कड़ी अल। हज़रत इमाम हुसैन तो ये कर ही नहीं सकते थे, लेकिन जो उम्मे लैला है माँ ने भी वो सब्र देखा और अपना 18 साल बेटे का की लाश को देखा, लेकिन अपनी वफादारी रिश्तेदारी के उसमें तब्दील, वफादारी तब्दील, ये भी वाकई में नज़र आती है जा बजा कि लोगों ने अमान हज़रत उम्मे लैला को मिली तो उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील नहीं की। फिर जब हम कहते हैं ना कि जुल्म की दास्तान हर अहद में है, तो हमें यह भी पता है कि मुनाफ़िकत की दास्तान भी हर अहद में है, झूठ की दास्तान भी हर अहद में है। इस्तकामत जी, बस मैं यह अर्ज़ करना चाहूँ जी, इस्तकामत में हूं जी, आपकी इजाज़त से कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा हर तरफ से प्रेशर बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा दबाव है, और उनको एक ये मार्का होता हुआ नज़र आया और उनको पता चला कि अब अफवाज ने हमें घेर लिया, तो उन्होंने सब लोगों को मुखातिब करके कहा कि इस वक्त जो जाना चाहे चला जाए, और चराग बुझा दिया जी। वो अब ये देखिए, बिल्कुल सही जी, अब ये देखिए वो मर्दों की सारों की महफिल थी जी, और उसमें ज़ारा अपने अहलो याल के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, उन्होंने बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में, बिल्कुल सही है, मैंने मेरी मरवत और लिहाज आपकी बात पे मैंने शेर लिखा था कि गुल करके भी चिराग अकेले ना थे हुसैन, गुल करके भी चिराग अकेले ना थे हुसैन, सारे ही बन गए थे इरादा हुसैन का, तो एक भी शख्स नहीं निकला, सारे ही बन गए थे इरादा हुसैन। मैं चाहती हूँ कि मजीद आप जैसे उम्मे लैला की आपने बात की, तो किन खवातीन का आप जिक्र करना चाहेंगे कि ये मसलन हज़रत इमाम हुसैन की जो थी सौजा मोहतरमा शहर बानो ईरानी थी, शहर बानो करबला में मौजूद नहीं थी, लेकिन वैसे उनकी शहादत तो इमाम जैनुल आबदीन की वालिदा थी और ये बड़ा ही बेटे थे, उनकी शहादत हज़रत इमाम जैनुल आबदीन की विलादत के अच्छा तो और मजीद कौन सी फिर ये रिवायत है, ये तारीख में तो नहीं है, तारीख में यही है कि इमाम जैनुल आबदीन की विलादत के थोड़े अरसे बाद बीबी शहबानो वफात पा गई, लेकिन दूसरी विलादत जिसकी ये दलील देते हैं कि उनका मज़ार यहाँ ईरान तहरान के पास है, रह में है, वो पहाड़ी पर है, उसमें ये है कि बाद, और ये मैं ये बहुत अच्छे कुछ उलमा कुछ ज़ाकरीन ने लिखा है अब कि बाद करबला जिस वक्त वो बलवाइयों ने वो लूट मचाई, वो खेमे जलाए गए, तो ये बीबी जुलजनाह पर सवार होकर जो इमाम हुसैन का घोड़ा था, कौन सी बीबी, ये बीबी शहरबानो कि ये उस इमाम हुसैन के घोड़े पे सवार होके वो वापस अपने में के चली गई थी अपनी किसी कनीज के हमरा या कैसे, और फिर यहाँ रह में जो उनका मज़ार है तहरान के नज़दीक, तो
ये उसी ज़माने वो आई थी, ये लंबा सफ़र करके और फिर यहाँ आके उनकी वफ़ात हुई। ये इतनी अथेंटिक रवायत नहीं है, अथेंटिक यही है कि उनकी शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा, जब हम जिक्र कर रहे हैं कि करबला में गैर हाशमी ख़वातीन का किरदार, जो कि इतना बड़ा किरदार निकला कि जिसके कई नफ्सियाती पहलू हमने देखे, कई चीज़ें हमारे सामने आई, इसमें और कोई जिक्र? इसमें एक ईसाई खातून वहाब कल्बी, एक ईसाई जवान है जिसकी शादी ताज़ा हुई है और अब वो अपनी दुल्हन और अपनी माँ के साथ सफ़र में है। यहाँ तक कि उसका गुजर करबला से हुआ, और करबला में जब ये देखा, सोचे पूछिए, मतलब जब आगा हुआ, वो उसने अपनी बीवी जो नौब्याहता दुल्हन दुल्हन है साथ, उससे कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, अच्छा तुम जहाँ जाना चाहती हो चले जाओ, मेरी तरफ से कोई, मेरा जी नहीं चाहता कि मैं ये छोड़ के, मैं इस गरीब को, इस जो फातिमा का बेटा है, जो रसूल करीम का नवासा है, उसको अकेला छोड़ और वो ईसाई है। उस दुल्हन ने भी कहा ऐसा क्या है, हाँ अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं भी रहती हूँ, मैंने आपके साथ ये शादी सिर्फ दुनियावी बंधन ये क्या हुआ कि दुनिया आपके चंद दिन तो मेरे रहे साथ में, आखिरत में भी तुम्हारे साथ। फिर जो वालिदा बूढ़ी थी उसको उस जवान ने कहा कि माँ आप ज़ईफ़ हैं, मैं किसी ना कोई राहबर ढूंढ के आपको उसके साथ कर देता हूँ, आप घर चले जाए। उस माँ ने कहा ये मेरी परवरिश है कि तुम्हारे अंदर ये जज्बा, तो मैं कुछ। अच्छा, इसमें यह है कि जिस वक्त वो शहीद हो गया, वो जवान, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जी जी, वहाबे कल्ब, वहाबे कल्ब ईसाई है और शहीद हो गया, शहीद हो, ऐसा उसने इजाजत ली, वो शामिल और रहा उसमें, नहीं देख सका, मुझे नुसरत का मौका दे, मैं जाऊंगा, चला गया, शहीद हो गया। उसका सर काट के उसकी माँ के खेमे की तरफ, उसका सर, यानी वो जो 11 मुहर्रम की सुबह सारे शहीदों के सर काटे गए थे उससे पहले ही भेजा गया, माँ के खेमे में उसका सर जब आया, उसने अपने बेटे के सर उठाया और वापस लश्करे यजीद की तरफ फेंक दिया कि नहीं, हम जो चीज़ राह खुदा में दे देते वो वापस नहीं लेते। ये वो ईसाई है, सुभान अल्लाह, और उसकी नौब्याहता दुल्हन है, उसकी बूढ़ी माँ है, क्या जज्बा है। तो ये इस्तकामत, ये सब, ये हक पर, ये सिर्फ ये ताकत उस वक्त आती है। अच्छा, वाकई करबला से लोग समझा जाता है कि अच्छा गिरिया है, रोना है, बेबसी है, बेकसी, नहीं बहुत सारे पहलू हैं, नहीं कुवत है, कुवत तो है, हाँ, आप टूट फूट के निकलते हो ना, आप ये सुनना, देखिए ये सुनना आसान नहीं है। आपने उम्मल बनीन का जिक्र किया, जिनको यकीन नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर उम्मे रुबाब पे आप जाते हो, फिर उम्मे लैला पे जाते हो, तो फिर ये जो ये इन एज अ ख़वातीन हम सब हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल है, जब हम सोचते हैं कि हम तो इतनी ज़रा सी मुश्किलात पे घबरा जाते हैं, तो कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। तो ये मेरा समझती हूँ कि कुल आलम अच्छा, की ख़वातीन के लिए इसमें बड़ा सबक है। जी जी बिल्कुल, ये मिसाल है हमारे लिए। आज की ज़िंदगी में आज के जितने तयुशात, राहतें, आराम बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इफेक्ट आपको इससे ज़्यादा पता होगा, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दवाई बिकती है, ट्रैंकलाइजर, नींद लाने वाली दवाइयाँ, सुकून देने वाली दवाइयाँ। मैं समझती हूँ इस दास्तान कि करबला की जो पेश दर पेश जुज़ियात, ये जो इसको रिपीट करता है ना, दो चीज़ें उसके पास नहीं आती, एक डिप्रेशन, एक बेखाबी। हम जब इस गम में इन्वॉल्व होते हैं ना, और जो इंसानी जुर्रत, इंसानी सब्र, इंसानी इस्तकामत की जब ये दास्तान पढ़ते हैं,
इस दुनिया क्या गम है, हमें क्या गम है? नहीं ऐसा जी हुआ, बिल्कुल ऐसा है मैं हमें कि ना तकलीफ है आपकी जी। तरफ मैं आऊंगी एक छोटी जी, सी बात करके और फिर आप बात कीजिएगा। मुझे मैं इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगी कि मेरी अपनी लाइफ में एक ऐसा बहुत बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारे सदमात से गुजरती हैं, बाज़ का तो आप पर बहुत बड़ी आजमाइश आ जाती है। मैं एक ऐसी जब आजमाइश से गुजरी तो आप यकीन करें कि मुझे पहले तो ये गिला शिकवा हुआ कि ये क्या हुआ, यानी आप न्यूली मैरिड हो के एक बेहतरीन बाहर जा रहे हो आ रहे हो, आप ख्वाब और होता और वो सारा चिकना चूर हो जाए। तो फिर मैं बैठ जाती थी अकेले और फिर मैं इस दास्तान से रास्ता लेती थी कि उससे बड़ी तो ऐसा हुआ, इस दास्तान ऐसा कई बार हुआ कि मैंने इसका आसरा लेके तो मैंने फिर खड़ी होगी कि नहीं मैं इससे बड़ी बड़े सदमात गुजर चुके हैं, औरतों पे बहुत मुश्किलात हो चुकी हैं, मर्दों पे आ चुकी हैं, और फिर वो तो अपने उनके थे, नवासे थे। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कहते हैं कि खुदा की रहमत मांगनी है, खुदा से इज़्ज़त मांगनी है, खुदा से दौलत मांगनी है तो दुरूद शरीफ पढ़ो, तो फिर खुदा के हुज़ूर जाओ। तो वो तो सारे ही आले नबी की जिन पर दुरूद भेजा गया। तो फिर यहाँ से मुझे ज़ाती तौर पर ये मिलता रहा। अकीला मैं यही बात अब आपसे लेके आगे चलूं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बहुत अच्छी बात की और ये बात जो है इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है वाकई करबला के फ़लसफ़े के साथ। देखिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो के अपने अल्फाज हैं कि अगर दुनिया के अलामों मसाइब पर अगर कभी तुम्हारा दिल परेशान हो तो मेरे गमों को याद कर लें। हाँ ऐसा ही है। तो अब आप खुद सोचें कि उनको भी अंदाज़ा था, लेकिन ये जो आजमाइश है करबला की, ये आजमाइश मेरे ख्याल के मुताबिक सवाए नवासे रसूल के और ये किसी के बस की बात भी नहीं थी। हाँ ये इतनी बड़ी आजमाइश है, ये इनके कोई भी और अपने कोई और इस काबिल ही नहीं था। ये बहुत देखें, दीन तो मुकम्मल हो चुका था, अब दीन में के वो दीन को बचाने के लिए कि आपके जो जो गैर मुस्लिम दुनिया है उससे तो बचाने के लिए अहकाम मौजूद थे, लेकिन अगर आपके अपने अंदर से कोई बुराई आती है तो फिर आपने उसका कैसे मुकाबला करना है और किस तरह दीन की हिफाजत करनी है। ये बात जो है, ये जो फलसफा है, ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के साथ हुआ। और वो कहते हैं ना कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। वो ठीक है। अब आप कोई भी क्लोजिंग की तरफ चुके हम जाने वाले हैं और ये तो इतनी बड़ी फिलॉसफी मैं इसको समझती हूँ जीने की है। मैं इमाम हुसैन के आखिरी इस वक्त तन्हा जब ना अब्बास ना अकबर, मैं एक इससे पहले मीर अनीस का एक शेर है, अब्बास मर गए अली अकबर हुए शहीद, अब्बास भी चले गए अकबर चले गए, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। हाँ। यानी कम अज कम कि आप कहीं टेंट लगे कुर्सियां बिछी देखते हाँ। हैं तो कितने भी अजनबियों खड़े होके पूछते हैं अच्छा जी क्या हुआ। और इमाम हुसैन कहते हैं हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या कहाँ थे, किस जगह पर थे, किन लोगों में थे, कौन पूछता, कोई होता। तो आखिरी खुतबा का एक जुमला जो है, देखिए ऐसे में भी ये सिर्फ मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का खून ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ वही ऐसा हो सकता है कि आखिरी वक्त फरमाया अय्युहन नास, इंसानों, नो अय्युहल मुस्लिमून या इंसानों, क्या मुखातिब किया, क्या मुखातिब किया कुल दुनिया को मुखातिब। पहले तो ये कहा कि मुझे ना मारो, आप सोचें कि जिसका ये सारा खानदान दो नहीं, वो हुज्जत कर रहे हैं, ये बात है, होती है वो कोई तख्त और ताज नहीं जिंदगी ना, वो जान मांग रहे हैं अपनी पनाह, वो उनकी औकात पे जा रहे हैं, मुझे ना मारो, मैं तुम्हें अपने नाना का दीन सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अखलाक सिखाऊंगा, और इंसानों तुम्हारा अगर कोई दीन नहीं, और मजे की बात उसमें हफाज़े कुरान भी थे, नमाजी भी थे, हाजी भी थे, इसके बावजूद इमाम को कहते अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं भी है ना, ये जुमला आज की दुनिया में सुनहरे ये हर जगह होना चाहिए, आज़ाद इंसानों की तरह तो रहो,
बड़ा अहम वाह, जुमला है जो कहा, आजाद इंसान इंसान वो है, कौन है जो जिसको ना तलवार का खौफ है ना दीनार की लालच, ना दीनार की लालच है। वो सब गुलाम थे। इमाम हुसैन ने ये जुमला कह के उन्हें कहा, तुम सब गुलाम हो, तुम्हें दीनारों की लालच ने और तलवारों के खौफ ने हक से हटा। ना दीनारों का लालच और ना तलवारों का खौफ। नाजरीन, मेरे साथ थे डॉक्टर अकीला आसिफ और मेरे साथ थी प्रोफेसर नर्गिस इफ्तिखार साहिबा। हमने बात की गैर हाशमी ख्वातीन के किरदार पर और उसमें फिर क्या क्या पहलू सामने आए, और यही पहलू समझने की ज़रूरत भी है जब हम करबला के वाक़े में पेज दर पेज आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिन पर अमूमन ज़िक्र नहीं भी होता और होना भी चाहिए। मुहर्रम का ये पहला प्रोग्राम था। इसके बाद अगले मौजू के साथ आपके साथ फिर मुखातिब होंगे। आयशा मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।